आप जैसे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, उसी तरह हम भी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते। आज जनता हमको विकास किया है, विकास के नाम पर फिर हमारे संग जनता है। जी मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा है और मैं हरनाटर पंचायत के BDC हूँ और फिर अपना नामांकन किया हूँ। ऐसे लोग हमको गांधी जी कहते हैं। गांधी जी बोलते हैं जी, क्यों बोलते हैं गांधी? अब गांधी जी लोग बोलते हैं कि मैं आप जैसे अपने चैनल के मशहूर है, अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं, उसी तरह मेरा मित्र हो, मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करता। गांधी जी का क्या नियम था मालूम है आपको? जी क्या सोचता हूँ, अब वही था भाई, एकता रखना, सबको मिला जुला कर रखना। आप अपने आप को गांधी जी मानते हैं कि नहीं? जी हम मानते हैं, मानते हैं। गांधी जी के सिद्धांत पर चलते हैं। देखिए जो जैसा रहता है उसी उसी के नाम से लोग। अच्छा, कोई गाल पे एक चाटा मार देता है दूसरा? नहीं, नहीं उतना नहीं, उतना गांधी जी नहीं। आप माफ कीजिए, उतना गांधी जी नहीं। 50% सिद्धांत है, कुछ उसमें गुण होगा तो हमको जनता नाम दिए, मेरे माता पिता नाम नहीं दिए, जनता नाम। नहीं जब आप बोले कि हम अपने आप को गांधी जी सोचते हैं, मैं सोचते हूँ कि उस सिद्धांत पर। वर्तमान में आप BDC? जी BDC हूँ। क्या किए हैं? मैं अपने काम से ही जाना जाता हूं सर, मेरे हरनाटर पंचायत में आप पता कर लीजिए, और BDC का जो है तो ब्लॉक में भी मैं बहुत काम कराया हूं। अभी जो गार्ड वाला रूम है, ऊपर जो फेवर ब्लॉकिंग हुआ है, वो भी हम ही कराया हूं। जी मैं अपने काम जल नल का भी PCC का काम कराया हूं, खरंजा का काम कराया हूँ, और जहाँ नाला का काम था वो भी काम कराया है। जो अधूरा है फिर जीत कर जाएंगे हम, काम कराएंगे। BDC आप लोग क्यों चुनते हैं? BDC में क्या फायदा होता है आप लोग का, जेब भरता है कि नहीं? अब ये तो आप कह सकते हैं सर, हम तो ये भी कह सकते हैं कि आप पत्रकारिता काय करते हैं। अच्छा आपका विकास किसका करता है, अपना करते हैं कि जनता करता है? ये तो आप कुछ भी देखिए, आप चौथा स्तंभ में कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आप अपना विकास पिछले 5 साल आप जैसे कहे तो हम आपको जानते हैं, आपके चैनल जानते हैं। आप जैसे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, उसी तरह हम भी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते। आज जनता हमको विकास किया है, विकास के नाम पर फिर हमारे संग जनता है। परो मरो वाली स्थिति कभी आई है आपके सामने, गांधी जी का सिद्धांत? जी जी बहुत से रोड जी बहुत, एक मेरे गांव में दलित बस्ती है जो तमाम लोग हैं, और उस रोड को बनवाने में हमको मैंने बहुत स्थिति आई थी तो हमें बनवाया। उसमें विधायक जी भी हमको हमारे पीठ थपथपाए, आपके CO साहब थे वो भी हार गए तो वो भी पीठ थपथपाए। हम अपने विवेक से गांधी जी के सिद्धांत से जो अचंभो काम था विधायक नहीं कर पाए। अच्छा, सरपंच बनने की जरूरत होती है, वहाँ सरपंच भी बन जाते हैं? वो तो काम नहीं है लेकिन गांव में है सर, तो गांव में कभी कभी प्रतिनिधि है तो लोग बुला लेते हैं। सरपंच का काम है, सरपंच का काम रोड बनवाने के लिए समझौता वगैरह दो पक्षों में करवाए। जी 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 जी, सरपंच का वही काम? जी सरपंच का काम है लेकिन हम अपने विवेक से करा लेते हैं, सरपंच का काम नहीं करते हैं। अच्छा BDC बिकते हैं ये मैं सुना हूँ, आप पता कर लीजिएगा। हम बिकने वाले तो विकास नहीं करेंगे, आप काम किए हैं? जी जी काम हम प्रमुख के बाद हम ही काम कराए हैं जी, इतना पावर है कि प्रमुख के बाद उनसे हो सकता है कि ज्यादा ही काम कराया हूँ। चलिए अच्छा है, इस बार क्या मुद्दा क्या है आपका? वही विकास जो बाकी रह गया है, टोला माला नल जल रोड बाकी रह गया है, जो नाला बाकी रह गया है उसको काम अधूरा क्यों छोड़ दिया उससे? तो हमारे आपको मालूम होना चाहिए महोदय कि हम लोग का सीमित फंड आता है, और उस सीमित फंड में हम लोग प्रमुख बनाए थे, प्रमुख के नजदीकी है तो ये कह सकते हैं कि हम बेमानिए कट। और कई लोग अधूरा इसलिए छोड़ देते हैं कि अगली बार जब जिताएंगे। नहीं नहीं वो नहीं भावना, वो जनता बताएगी। हम अब दूसरों पंचायत का फंड भी लेकर हम करा लिए हैं। जी चलिए विकास किए होंगे तो जनता तो फिर से आपको लाएगी। जी जी जनता से क्या मांगना चाहते हैं? क्या फिर हमको जिताए जनता, फिर हमको जिताए, यही जनता से हमारा अपील है। चलिए धन्यवाद।